बोलिया जाता नहीं,
पर तुहाडा प्यार है सतगुरु जी मेहर करन मैं तुहाडे नाल सांझ पा सकां। कल भी जो कथा हो रही सी ते खिड़की ना सी कोई खुली पर मैं जो शुरू कर दिता सी विचों रुक के मैं नहीं आख्या क्योंकि खिड़की खोल लईए वो गर्मी नाल पसीना आई जांदा सी नाले इतिहास भी वो होवे जिहदे अंदर सूरमियां दे पुरशार्थ नूं आपां सुणदे आं ते कहिंदे आं उदों वैसे भी शरीर दा भाव फिर सतसंगत जी नॉर्मल नहीं रहिंदा है क्योंकि जदों आपां एक मन हो करके जुड़ जाने ना उदों फिर साडा शरीर जिहड़ा वो भावें किसी होर देश विच किसी होर थां ते बैठा है पर उत्थों दे भाव महसूस करदा होया उस तरह दे ही शरीर दे अंदर जो हन भाव प्रगट हो जांदे है। अज दे दिन महापुरखां ने सचखंड चाला मारिया सी देर रात मैं घर पहुंचिया सां जम्मू कथा चल रही सी जदों तकरीबन 2 बजे मैं घर पहुंचिया सां रात सिंघां दे फोन आए कि मैते टैलीफोन नहीं लगदा पिया बाबा जी ढिले बहुत है जे तुहाडा फोन लगे ते मैते सूचना दिओ। मेरी बेनती है कोई महसूस ना करो आप सारे सत्कार योग हो तो मैथों कथा नहीं होनी जे मेरे कन्ना विच आवाज़ कोई होर पवेगी आप जी मैनू एकाग्रता बख्शो ता जो मैं कोई बोल आप नाल सांझ पा सकां। जदों मैनू सिंघां ने इउं दस्या नाल जुड़ सिंह सन साडा भी यही विचार सी ते असीं आपस विच बचन कीते कि बाबा जी नूं कुछ नहीं होण लगा महापुरखां दी अपनी मौज है क्योंकि महापुरखां ने अपनी रसना तो सिंघां नूं एक वारी कहा सी जिहड़े बाबा जी दे बॉडीगार्ड हुंदे सी ना उन्हां नूं एक वारी गुस्से हुंदे कहिंदे ओ तुसीं मैनूं बचाउने आ कि जां मैं तुहानूं बचाउंदा फिरदा कहिंदे तुसीं मेरी रखिया नहीं करदे पे मैं तुहाडी रखिया कर रहा किसे नूं कोई फड़दा है किसे नूं कोई मारदा है ते महापुरख हासे विच ही कहिंदे मैं नहीं मरना मैं अपनी मर्जी नाल ही मरना है। जदों महापुरखां ने कहा सी कि ठाकुर सिंह जदों तेरा जी करेगा उदों आ जाए ये बचन उन्होंने अपनी मुख तो कहे सी। जदों साडा टैलीफोन लग गया मैं दस्या भाई सतबीर सिंह जी नूं ते फिर सिंघां ने अखंड पाठ साहिब आरंभ किए इन्ने चिर नूं असीं इशनान सोध लिया तकरीबन 7:30 to 8 बजे का समा सी जदों फिर एक खबर आ गई कि महापुरख सचखंड चाला मार गए। यकीन नहीं सी हुंदा असीं अमृतसर साहब नूं तुर पए भाई सुखविंदर सिंह संघे का फोन आया कि असीं महापुरखां का शरीर लैके हुण मैते आ रहे हैं अमृतसर साहब ना आयो असीं अजे मैते पहुँचे ही हाँ ते बाबा जी की बस आ पहुँची है जिस बैड दे उत्ते आप जी बाणी सुनदे बराजिया करदे उसी बैड ते बाबा जी का शरीर लम्मे पाया होया सी। जदों दास ने बस विच चढ़ के वेख्या ते इउं लग रहा सी कि महापुरख बराजे हुए है उन्हां दे चेहरे तो अंतम संस्कार तक भी नहीं सी लगदा कि शरीर छड्ड गए
क्योंकि तुसी भी समाजिक ये साड़ियाँ रीतियाँ ने किसी के फ्यूनरल ते मर्ग ते जाते होवोगे शरीर के भाव उन्होंने चेहरे की आभा सतसंग जी बदल जाती है मृतक शरीर की वो प्रभाव नहीं चेहरे पर रहा पर अखीर तक महापुरखों के चेहरे के उत्ते ऐन मलाल सी नूर दागदा सी महापुरखों का शरीर उतारिया गया सानू नट भज लग गई कि बर्फ ले आईए शरीर खराब ना हो गए सब थावां ते खबर अग वांग फैली इत्थे भी सिंघां ने संपर्क कीते कि साढ़े आउण तक बाबा जी का शरीर रखिया जाए शहीदी जोड़ मेले सीगे पर फिर भी संगत का एडा वड्डा इकट्ठ सी कि साध संगत जी मेहनते चौंक तक भी सड़क के उत्ते संगतों का हाड़ी आया होया इन्नी संगत आ गई सी प्रबंध ना सी हो सकता एडी संगत का इकट्ठ सीगा जदों सारा प्रबंध कर दिता सारे सियाने सिंह सलाह करन लगे कि अंतम संस्कार हुण किवें करिए बाहरले सिंघां दा सुनेहा सी साडी उड़ीक कीती जावे दूरों देशां तो नहीं सी पहुँचिया जा सकता इंग्लैंड तो कुछ सिंह पहुँच गए सी अंतम समय सिंह विराग करदे पए सी पर मैं अपने मन में ही सोच रहा सा मैनू विराग नहीं सी आ रहा महापुरख जो सचखंड गए तो कम्मा कारा में रुझे हुए सा फिर जदों वेल मिलिया मन में सोचा कि बाबा जी का शरीर है मना ये हुण तत्तां च तत्त रल जाने है मुड़ फिर नहीं इस शरीर का दर्शन होना इस रूप में तो घड़ी कोल बह ली है महापुरखों के शरीर दे क्योंकि रात का सारा नितनेम जदों सवेर तो बाबा जी का शरीर खुले पंडाल विच सजा दिता आप महारे संगतां ने अंतम दर्शन किए बेशुमार तांता लग गया सी ते सब दियां अखां नम सी नाले प्रेम नाल दर्शन करदे सी सुन सी इन्नी संगत सी चार छफेरे कोई आवाज़ नहीं सी आउंदी हरेक दा मन महापुरखां दे प्रेम विच रुड़िया होया सी जदों मैं शरीर दे कोल बैठ गया कई चिर बैठिया रहा महापुरखां दा सज्जा हथ ना वस्त्र तो बाहर सी ते हाथ पकड़ के मैं वस्त्र दे विच जदों करन लगा तो फिर मैनू याद आ गई असी महापुरखां ने साडी संपट पाठ ते सेवा लाई हुंदी सी जदों असी कते जाणा ना ते महापुरखां सानू काजू देने बदाम देने ते उन्हां दे हाथ विच इन्नी बरकत हुंदी सी वड्डे बोरे चों हाथ भर के जदों देंदे हुंदे सी ना इक्के हाथ नाल चंगे जवान दी बुक वी भर जांदी सी एक हाथ नाल ही देंदे सी ते साडियां बुकां दे विचों बाहर डुलण लग पैंदे सी काजू ते बदाम ते जदों मैं हाथ नाल अपने हत्थां नाल महापुरखां दा हाथ फड़िया पता नहीं उस याद विच इन्ना मन रुड़िया उस समय फिर विराग छुट पिया अखां तों याद आ गई भी किन्नियां बख्शां इन्ना हत्थां नाल साढ़े ते वरताईयां मैं एक बार बाटे कट्ठे करदा सा जूठे ते सेब देण लगे मेरे हाथ जूठे सीगे मैं कहा महाराज हाथ जूठे है ते कहिंदे लिया जेब च पा दिया कुदरती जेब भी पाटी सी जदों जेब च सेब पाया तो थले डिग पिया मैनू कहिंदे मस्तानिया च पाला जिहड़ा चोला वह भी पाटी पाया है उस समय अपने कोलों एक लोई दित्ती एक चोला दिता सिंघां नाल किन्ना कु प्यार करदे सी माँ प्यो दा प्रेम भुल गया सी घर परिवार कदे किसे नूं चेता नहीं सी आउंदा इन्ना वो प्रेम करदे सी जदों सचखंड जाण दा समां सी
सतसंगत जी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुख का जीवन एहो जिहा हुंदा है कि वह सदा वाहिगुरु विच एकमिक रहिंदे है, पर जदों उहदे विच अभेद होण दा समां आउंदा ना, उदों फिर वह इन्नी अंदर प्रीत दी रीत प्रबल हुंदी है कि उहनां नूं देश काल वस्तु भुल जांदा है। ये मैं प्रमाण देन लगा फिर शहीदों के प्रसंग की कथा आरंभ करांगा। रात का एक वजा सी जिदन सचखंड गए है, पुछते है समा की होया है। महापुरुखों पुछया की समा होया है, सिंह ने दसिया महाराज एक वजा है। केंद्र रात का कि दिन का, वेखो किवें बिरती लीन हो चुकी है। कहिंदे रात दा एक वजा है कि दिन दा एक वजा है? सिंह कहिंदा महाराज रात दा एक वजा है। कहिंदे अच्छा, फिर अमृत वेला हो गया। उठे है, एक्सरसाइज करते होंगे सी, आखिरी दम तक भी मालिश की है ते बाहां हलाइया अपनिया, शरीर की एक्सरसाइज बहुत करते सी, तुरते सी बहुत, बड़े बड़े जवान थक जाते सी। बाणी असी सुनाउनी नाल कई कई मील तुरना, शरीर उन्हां दा भावें कारा सी पर बड़ा बल सी शरीर विच, चंगिया जवानां नूं थका दिंदे सी। जदों इशनान कीता है, उस दिन अपने आसन ते सुत लीन करके बैठ गए। कुछ समय बाद सुरत पुटी है, सिंह नूं पुछदे है दरबार साहब तो कीर्तन आ रहा सी। कहिंदे ने की रागी सिंह कीर्तन करदे है? सिंह ने दसिया कि भगत कबीर साहब जी का शब्द पढ़ रहे रागी सिंह। कबीर ऐसी होए परी, मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ संधौरा लीन। क्योंकि शहीदी दिहाड़े चल रहे सी ते शब्द फिर शहीदी दे ही सारे गायन हो रहे सी। जदों पंक्ति दसी है सिंह ने, उस समय थोड़ा सिर हिला के फिर गुप्त हो गए। तकरीबन फिर 7:30 to 8 दे विच महापुरखां ने सचखंड चाला मारिया, अपनी जोत परम जोत दे विच जदों लीन कीती है। उस समय डॉक्टर हरशरण कौर ने आखिरी, जदों कहिंदे आ ना डिकलेयर करना हुंदा है, बीबी बहुत महापुरखां नाल प्यार करदी, बड़ी श्रद्धा करदी सी, जदों डिकलेयर भी करन लगी सी उसकी जबान थर थर आ रही सी, बोलिया नहीं सी जा रहा। जदों कह ना सकी ते सिंघां ने कहा बाबा जी दे उपर कंबल दईए, इन्नी ठंड वै। फिर सिंघां नूं संकेत देण वास्ते उन्हें कहा बाबा जी नूं हुण कंबल दी लोड़ नहीं, बाबा जी दे शरीर नूं हुण बर्फ दी लोड़ है। इन्ना ही कह सकी, सिंघां दे फिर बराग छुट पिया, पता नहीं सी लग रहा कि की करिए। फिर उस तो उपरंत महापुरखां दा शरीर जिवें मिटे आया, मैं जिक्र कीता सतसंगत जी, कदे अपना आप नहीं सी जनाउंदे। कई वारी असी अकल्यां बड़ी बड़े वाकया ने, मैं सोचता हूं कई बार भाई गुरशन सिंह जी भी अज महापुरखां दे बचन सुना रहे सी, जे ये बचन लिखत विच ना लियांदे गए तो शरीरां नाल ही चले जाणगे। बार वड्डे अमृत वेले तो मैं बाणी सुना रहा सा, कोई होर नाल नहीं सी, मैं ही बाणी सुना रहा सा। कदे आलूआं वाले खेतां च, कदे परां दूर बंबी तक लै जांदे। बाबा जी का भी चोला अगों लिबड़ गया, मेरे भी गोडियां तक भुब्बल चढ़ी हुई सी। कोई संत सी महात्मा, गड्डियां आ रही, उन्हां दियां 5-6 गड्डियां कूकदियां आ रही, उन्होंने गड्डी खिलार ली सानू वेख के, असी सड़क ते आ चढ़े सी ते बाबा जी ही अगे सीगे। मैं तां बाणी सुणाउंदा सां, बाबा जी नूं पुछदे आ महात्मा
ਵੀ ਬਾਬੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬੀ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤੇ ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਛੱਕ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਰਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
जिस किसी ने देखा होगा तो मेरे बचना से उन्होंने शंका भी जरूर पै जाना है, क्योंकि कई बार किसी के दिल की भावना होंगी। मैं अपनी अखा नाल वेख्या, एक बारी प्रेमी गुरसिख सी, मैं सोचा कि बाबा जी इन्हें बहुत ज़्यादा झिड़क देंगे, पर उहदे मन की भावना ही पता नहीं किहो जी सी, उन्हें महापुरखों के चरणों से सिर रख दिता। जो सिर रखिया महापुरख किन्ना चिर हिले ने, फिर उन्हें प्यार दिता, प्रसाद दिता, पता नहीं की बख्शिश कर दिती। ये मन दियां भावनावां जिन्हां दियां सिद्धियां उन्हां नाल जुड़ जांदियां, फिर साध संगत जी बाहरले लोक विखावे तो उन्हां दा मन उच्चा चलिया जांदा है। महापुरख अपने जीवन दे अंदर उन्होंने ऐसा जीवन जीविया जिहड़ा भाई गुरदास जी ने एक गुरमुख दा जीवन कहा है, एक साधु दा जीवन कहा है। उन्हां दे जीवन करके साढ़े विच जो कुछ है ना, सिर तो लैके पैर दे अंगूठे तक सब उन्हां दियां पाईयां होईयां बख्शिशां गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे चरणी लाया है। चमकौर साहब दा इतिहास उन्होंने ऐ संगत विच बैठ के कई बार मेथों सुनिया। एक बार नाभा साहिब गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत की कथा की, बहुत खुश सन, बड़िया मैनू खुशियां दित्तियां। ते जिस दिन प्रसंग संपूर्ण होया मैनू कहिंदे पचंगिया गुरु तेग बहादुर साहब की भी शहीदी सुनाएगा। मैं कहा महाराज लड़ीवार कथा चल रही है, जे तुसी आग्या करो ते रोक के वह सुनावांगे। महापुर कहिंदे हुण इह लड़ीवार कथा रोक दिओ ते गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी सुनाओ। सतगुरां की शहादत सुनते हुए उन्हां दा शरीर अचल हो जांदा सी, हिलदे तक नहीं सी, इन्ना जुड़ के संगत करदे सी, उन्हां दी गुरबाणी नाल प्रीत। कई कई घंटियां बद्धी असी हरिमंदर साहब थक जाने सां, पर बाबा जी नहीं सी थकदे कीर्तन सुनदे। ते एक बार चार घंटे बैठिया लंघ गए ते मैं कहा बाबा जी उठन लगे हुण चलीए, मैनू मगर बैठे नूं कहिंदे मेरी थां मल के रखी, मैं हुणे आउणा वा वाशरूम जाणा सी, कहिंदे थां मल के रखी। जदों क्रिया कार आए मैं उत्थे बैठा सीगा, क्योंकि संगत बहुत थां मल्लिया जावे तो फिर नहीं जगह मिलदी। ते जदों बाबा जी पिछे आए मैं वेख लिया महापुरख आ गए, तो मैं उठ खलोता। इन्ने चिर नूं मेरी थां पिछले सिंह ने मल ली, तो बाबा जी दे बहण जोगी थां ना रही। बाबा जी ने मेरे वल गुस्से नाल वेख्या, मैं फिर उत्थे बह के पछां करता धक्कदा। जदों धक्क के पछां कीता महापुरख आ के बैठ गए, मैं लागे खलोता रहा। उसनूं लग्या कि कोई बजुर्ग है, उन्हें बाबा जी नूं बथेरे धक्के नाल गांह नूं करन दी कोशिश कीती, पर मैं उन्हूं इशारा करां कि तूं ना कर। आसरा मैं ला के रखिया अपनी लत दा। जदों कन्न च उहदे किसे ने कहा ना भी तैनूं पता है कौण अगे बैठे तेरे, कहिंदा नहीं, कहिंदा बाबा ठाकुर सिंह, हथ जोड़ी चलिया जावे। फिर हथ जोड़े कि मैथों गलती हो गई है। महापुरख सारिआं विच वाहिगुरू वेखदे सी, परमेश्वर की जोत वेखदे सी। उन्हां वास्ते कोई अमीर गरीब नहीं, कोई माड़ा चंगा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सब दे अंदर उन्हां नूं वाहिगुरू जी की जोत दिसदी सी। इन्नी समदृष्टि सी उन्हां दे अंदर, ते असीं अपने जीवन दे अंदर ये चीज़ां हंडाइयां। उन्हां दा जीवन किसी किताब च नहीं पढ़िया साध संगत जी, अपने शरीर ते हंडाया। ते जिंदगी दे तकरीबन 5 साल इहो जिहे महापुरखां नाल कढे, जदों किरिया करन वास्ते पासे जाईदा सी, नहीं तो उन्हां दे कोल ही रहना। ते उन्हां दे कोल हर वेले सतयुग वरतदा सी, ते कमरे तो बाहर कलयुग भी वरत जांदा सी। फिर ये जथे दे सिंघां नूं पता है, पर उन्हां दे कोल रहिंदिआं होइआं कदे भी किसे चीज़ का प्रभाव नहीं सी पैंदा। बड़े बड़े दुख
ਮੂਰਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਔਕੜ ਬਣਨੀ ਆਓ ਸਿੰਘੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਖਿਆਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂਵਰ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਛੱਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਹਿਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ 4 ਸ਼ਫੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮ ਕਹਤੇ ਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਟਾਣਾ ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੱਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਜੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਰ ਜ਼ਮੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ 4 ਸ਼ਫੇਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੜਾਹੇ ਚਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੈ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ।
औखा समा सी जदों पठाणा ने सतगुरां दे उत्ते हमला कर दिता सी, रस्त तां कित्थों की प्राप्त होनी सी। सगों इहो जिहियां गल्लां फिल्माउणियां साडे उहनां जांबाज सूर वीरां दी एड्डी वड्डी कुरबानी नूं साध संगत जी सगों घटाउणा है। कईआं महीनिआं दे भुखे ते तिहाए केवल बूर माजरे खूह तों जल छकिआ सी सिंघां ने, हजूर ने आप भी छकिआ सी, ते जां फिर चमकौर साहिब दे सतगुरु जी ने उस बाग विच आ करके जल छकिआ सी सच्चे पातशाह ने। हजूर जदों गढ़ी साहब के अंदर काबज होए है, अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया कि उस रात भी गुरु के खालसे ने कड़ाका ही उठाया है, कुछ भी खाण नूं नहीं सी। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों दुशत्ते मकान के अंदर बैठे है, तो अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है कि सिंह वेख रहे है कि गुरुदेव की करते पे है, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुका कर, महाराज शीश झुका के बैठे हुए है चौंकड़े विच। सतगुरु पातशाह जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु के शुकराने विच शीश झुकाया होया है, तो मुख तो की कह रहे है, मुख से निकलता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी नूं संबोधन हुंदे कह रहे है परमेश्वर तू ही तू है, तू ही तू है। जिथे सतगुरु अकाल उस्तत उचारण करदे है ते तू ही दी धुन विच गुम हो जांदे, सच्चे पातशाह निर्वकल्प समाधि विच चले जांदे है। जदों समाधि उथान हुंदी है लखारियां नूं पुछदे है, लखारियो की लिखिया जे, सतगुरु आपने 16,000 वार तू ही दा जाप उचारण कीता है। महाराज हस पैंदे, सच्चे पातशाह हजूर कहिंदे है इहनूं 16 वार कर दिओ। जो दसम बाणी श्री अकाल उस्तत है ना, उत्थे महाराज जी ने 16,000 वार शब्द उचारण कीता सी, क्योंकि निर्वकल्प समाधि विच चले गए सी, जिथे साध संगत जी ना कोई साहिब ना कोई सेवक ना कोई धरती ना कोई आसमान, देहां दा स्थूल रूप नहीं हुंदा, उत्थे अपने आप विच वाहिगुरु आप ही है। ते फिर उस समय दूजा जदों कोई है ही नहीं तो की दसना की हो रहा सी। फिर जिहड़ा दूजे भाव नूं महसूस कर रहा उन लिखिया तो उन्हां नूं पुछिया, सतगुरु उस धुनी विच गुम ने, अपने ही सरूप विच लीन ने सच्चे पातशाह। जदों सिंह पहरे ते खलो गए है, हजूर उठे है चौंकड़े तो, ते महाराज जी ने उस रात आख्या खालसा जी कईआं महीनिआं तो तुसी अनिंदरे हो। महाराज ने कहा भाई दया सिंह अज तुसी आराम करो, असी पहरा देवांगे। भाई दया सिंह जी कहिंदे महाराज जी ये किवें हो सकदा है, आप साहिब हो मालक हो, महाराज तुसी पहरा दिओ ते असी आराम करिए, इउं नहीं हो सकदा। सच्चे पातशाह आप भी तां कईआं चिरां तो अनिंदरे हो गरीब नवाज, आपने प्रसाद तक नहीं पाया, सच्चे पातशाह तुसी आराम कर लो। सतगुरु जी कहिंदे नहीं, साडा हुक्म है भाई दया सिंह अज तुसी आराम करो ते असी पहरा देंगे। अल्लाह यार खां योगी ने लिखिया है कि महाराज साहब के हुक्म अगे वेर नहीं सी, ना चाहुंदिया होया भी काठियां दे जिहड़े सराणे बना करके जिमी पोश विछा करके सिंह आराम करन लगे। कईआं दे फट लगे हुए है, कईआं दे कोल ढालां ने उह सराणे रखियां होईआं। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों अद्धी रात का वक्त गुजरिया है, डेढ़ घड़ी जब बीती जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, कहिंदे ने ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में, कहते थे करतार से गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरख रू होकर। सच्चे पातशाह ने अपने सब जादियां नूं बराजियां होया वेखिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी अल्लाह यार खां लिखदे ने कि सच्चे पातशाह महाराज ने अपने सिंघां दे शीश चुम्मे आ। ये अल्लाह यार खां योगी जिसनों इस्लाम विचों छेक दिता गया सी, ते लाहौर दे मुसलमान अल्लाह यार खां योगी नूं ईद वाले दिन इकट्ठे होकर के कहन गए कि अल्लाह यारिया तू कह दे कि मेरे कोल गलती हुई है ते माफ़ी मंग लै, अज दे दिन ते
फिर इस्लाम विच लै आउने अज ईद का दिन मैं ते तू कह दे कि मेरे को भुल दे नाल गुरु साहब का ये इतिहास ते सिफत लिखी गई है। अल्लाह यार खां जोगी ने कहा जाओ मैनू तुहाडी शरा की लोड़ नहीं, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने मैनू इन्ना प्यार ते स्पर्श दिता है, मैनू यकीन है जिस दिन मैं मरिया गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद विच जावांगा। एक मुसलमान का अकीदा गुरु साहब के प्रति कैसा है? सच्चे पातशाह जी महाराज जदों सिंघां दे शीस चुम्मे है, अल्लाह यार खां योगी ने लिखिया है कि सतगुरु जी कहिंदे है खालसा धन है तेरा ये शीस कल नूं धर्म वास्ते कुरबान हो जाएगा। सतगुरु जी जदों हलकूम चुम्मे है शीस चुम्मे है ते पाँव आए पदांती चूमने लागे, जदों महाराज सिंघां दे चरणां नूं परसदे होए सच्चे पातशाह जी कह रहे खालसा धन है तेरे चरण कल नूं तू धर्म वास्ते छाला भरदिआं होइआं इन्हां चरणां नाल कुरबान हो जाणा है। भाई दया सिंह साहब जी जाग पए कहिंदे महाराज ये लोड़ा ना मारो, सच्चे पातशाह अपने सेवकां दे चरणां नूं पए हथ लाउंदे हो, अमृत वेले दा पख लग चुका सी, आपो अपने थावां ते सब ने बाणी दा जाप कीता, हजूर आप भी अपने ध्यान स्थित होए है। रात दे वक्त ही जदों सतगुरु जी आ करके गढ़ी दे अंदर काबज होए सी, 10 लख टिड्डी दल ने आले दुआले चमकौर साहब दे पड़ा पा दिते सी। कविराज ने लिखिया है कि चमकौर साहब की वो कच्ची गढ़ी इउं लग रही सी कि जिवें वो एक टापू होवे ते मुगलां दी विशाल फैली हुई सेना एक विशाल समुंदर होवे। अलंकार देंदियां होया कविराज ने कहा इउं लग रहा सी जिवें गढ़ी एक जहाज होवे ते ये फैली हुई मुगलिया सेना एक समुंदर दी न्याई होवे ते उस गढ़ी दे जहाज दे मलाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप बने हैं जिहड़े इस मुगलिया सल्तनत दे समुंदर दे विच दी सतगुरु जी गुरसिखी दा धर्म दा बेड़ा कंढे ते चाढ़न है सच्चे पातशाह ने। जदों रात दा वक्त सी इन्हां ने नगरां दे चौधरी पकड़ ले सी, उन्हां तो खबर लई सी कि गुरु साहब दे नाल किन्ने सिंघ ने की असला है, उन्होंने जिहो जी वेख्या सी जो कुछ उहो जिहियां खबरां दित्तियां, कोई कहिंदा 100 कु सिंघ है, कोई कहिंदा 50 कु सिंघ है। जदों चमकौर साहब की फिजा विच अजे प्रभात का उजाला नहीं होया, इधर ख्वाजा मरदूद ने 10 लख सेना नूं कमांड दित्ती है। मैं संखेप रूप विच ही कहांगा क्योंकि दूब दू लड़ाई दे पूरे सीन नूं खिंचण वास्ते समां चाहीदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज ममटी विच वीर आसन लाई बैठे है। सच्चे पातशाह हजूर ने अपने कोल तीर बखेरे हुए है, वह तीरां दीआं भरीआं होईआं खच्चरां घोड़े जिहड़े सतगुरु जी ने नाल लिआंदे है, गोली सिक्का बहुता बारूद गिला हो चुका सी, कुछ ही तादाद विच साध संगत जी तोड़ेदार बंदूकां ते कुछ बारूद जिहड़ा बचिया सी उहदे नाल ही सिंघां ने अंदरों युद्ध कीता है, जां अपने कमर कस्यां दे शस्त्र ते भरे हुए तीरां दे पत्थे, एक पासे तोपां ने ते बहुत ज़्यादा ताज़ा दम फौज पिछों चढ़ के आई है जिसकी गिणती गुरुदेव ने आप 10 लख लिखी है। सिंघां की गिणती गुरुदेव ने आप जफरनामे में 40 लिखी है सच्चे पातशाह ने। इस करके किसी की कोई राय इत्थे गुंजाइश ही नहीं रह जाती। जदों भोर हो रही है उजाला हो रहा है, याली याली दे नारे एक बारी गूंजे है, अल्लाहू अकबर दे नारे गूंजे है। जदों ख्वाजा मरदूद कमांड दे रहा है फौज ने अगे वधना शुरू किया है, इधर सतगुरां जी ने आग्या की रणजीत नगारे ते चोब ला दिओ। जदों रणजीत नगारे ते चोब वजी है अंदरों सिंघां ने जोश विच जकारे छड़े है, चमकौर साहब का आकाश गूंजिया एक बार नगारे नाल। इउं लग रहा सी उन्हां नूं प्रतीत हो रहा सी कि चौधरियां दीआं दित्तियां खबरां झूठियां ने, अंदर बेशुमार
फौज है गुरु साहब के कोल, जदों टिड्डी दल वधिया अगे नूं, कवि भाई संतोख सिंह जी उत्थे लिखते हैं, मैं किसी भी पॉइंट के उत्ते विस्थार नहीं कर सकता, जदों टिड्डी दल अंदर अगे नूं वधिया है, घोड़ियां दीआं टापां नाल धूड़ आकाश नूं चढ़ी है, सूरज ढकिया गया, भाई दया सिंह जी कहिंदे आ महाराज एड्डी वड्डी फौज का मुकाबला महाराज इन्हां क सिंघां नाल किवें होवेगा। गुरु देव ने रोह विच आ के उदों खपरा चीर चक्किया सच्चे पातशाह ने, ते महाराज जी ने नौ टंकां दे कमान दे उत्ते सतगुरु जी ने तीर चाढ़िया, अंगूठे विच जिहड़ा अंगुष्ट पाया करदे सी महाराज उहदे नाल खिचिया करदे सी तंदी, ते 550-600 पाउंड दा कमान महाराज सच्चे पातशाह जी अंगूठे नाल इन्नी भार दी खिच नूं खिच लैंदे सी सच्चे पातशाह। अजकल जे असीं कहीए ना कि नौ टंकां दा कमान एक टंक विच 25 किलो हुंदे, इन्ना भारी कमान कहिंदे महाराज किवें चुकदे होऊगे, कमान दा उन्ना भार नहीं हुंदा, उहदी खिच विच इन्ना भार हुंदा। कमान दा भार ते भावें 2 जां 2.5 किलो होवो, पर जिहड़ी उहदी तंदी विच खिच है ना, उह 600 पाउंड दी खिच सी, अज 100 पाउंड दा कमान ते उहदे विचों तीर छड्डी। असीं सिखाउंदे हां जदों विद्यार्थियां नूं ना, मेरे कोल हुण 80 पाउंड दा कमान नहीं चलदा, प्रैक्टिस करनी पैंदी है, 25 पाउंड दा ही चलावांगा, 10-15 दिन महीना फिर हाथ टिकूगा। ते जिहड़े चंगे जवान है जिन्हां दी छाती विच जोर है, चंगा जिम लाउण वाला, वह 80 पाउंड दा कमान खिच सकदा है, ते वह भी खिच के खलियार नहीं सकदा, हथ कंबण लग पैंदा, जिहदा हथ कंबदा उहदा तीर निशाने ते किवें जाऊगा। 600 पाउंड दी खिच नूं गुरदेव खिच के ते रोक लैंदे सी सच्चे पातशाह, ते गुरुदेव का हथ नहीं सी कंबदा। सचे पातशाह जी महाराज ने जदों खिचिया ना तान ला के कन तक कमान नूं, कमान विचों चरड़ाउण दी आवाज आई है, गुरुदेव ने रोह नाल जदों तीर मारिया 10,000 दे विच दी लंघिया। मैं उत्थे भी आनंदपुर साहब कथा कीती सी ते निर्णा दिता सीगा कि अज तो असी कोई 15-20 साल पहलों जो ये गल कहनी ना, कई बार नौजवानों ने कहना लाए शरदा नाल ही कहिंदे आ, ते एक तीर 10,000 दे विच दी किवें लंघ जूगा, 25 पाउंड वाले कमान चो छुट्टिया होया तीर 2 रेत दे बोरियां नूं पाड़ के पार हो जांदा, गोली मार लो एक बोरे नूं पार नहीं होगी रेत दे बोरे चो, ते जिथे 600 पाउंड दे प्रैशर नाल तीर छुट रहा है 10,000 दे विच दी क्यों नहीं लंघ सकदा। लोहे दीआं मोटीआं चादरां नूं पाड़ दिंदा 80 पाउंड वाला कमान। सच्चे पातशाह जी महाराज दे ओ शस्त्र कला ते सानूं शंका तां आउंदी है क्योंकि साडे कोल गुरु साहिब दा दित्ता होया कुछ भी नहीं रहा, जो सतगुरु जी ने सानूं धरोहर दे रूप विच दित्ता है। माफ करना, तुसी विकसित देश विच रहिंदे आ, इत्थों दे वासी भी बन गए हैं, ते मैं तुहानूं 25 पाउंड दा कमान दे दिया दा चिल्ला नहीं चढ़ा सकते तुसी, ते औलाद असी किन्हां दी आ, दिहाड़े असी किन्हां दे मना रहे हैं, जिहड़े शस्त्रां दे धनी होए आ महापुरख। ते सतसंगत जी जदों ये महाराज ने छड्डिया ना तीर, चढ़ी आउंदी हुई फौज जड़ी ठठंबर के खलो गई, ते भाई दया सिंह साहब ने जदों एक करिश्मा वेख्या कहिंदे आ गुरुदेव इहो जे जे 5-7 तीर छड्डो ते वेल करदी है महाराज, चली आ आनंदपुर साहब वापस। अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया गुरुदेव ने उस समय कहा कि भाई दया सिंह जी आग्या ही नहीं हमें रन की। महाराज कहिंदे मैनू अकाल पुरख वाहिगुरू की आग्या ही नहीं अजे हो रही जंग करन वास्ते, नहीं तो दुश्मन के चमन की मिट्टी तक उड़ा सकते हैं हम। महाराज कहिंदे की है साढ़े अगे, क्योंकि सतगुरु वो शक्ति रखते हैं हरन भरन जाका नेत्र फोर। महाराज कहिंदे तिसका मंत्र ना जाना होर, वो शक्ति है गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के अंदर, पर सतगुरां ने वो शक्ति नहीं वरती, अपने बाजुआ का पराक्रम विखाया सच्चे पातशाह ने।
महाराज कहिंदे भाई दया सिंह जी अज दे दिन दा इतिहास कौम नूं सदा लई अमर कर देवेगा। सूर वीरां ते योधियां दी तरह लड़न दी जाच सिखावांगे। जदों ख्वाजा मरदूद ने वेख्या कि गुरु देव ने दो तीन तीर मार के एडी सैना नबेड़ दित्ती है ते जे इवें ही अगे वधदे रहे ते सैना सतगुरु जी तीरां नाल ही मार मुकाउणगे। पिछे हट करके इन्होंने फैसला कुन युद्ध करन दा निर्णा लिया। दस दस हजार सैना अगे उतरन लगी। उधरों दस हजार निकलते हैं, इधर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के पांच सिंह नेत्रदे गढ़ी दे विचों। ये सतगुरु जी का पांच लाख खालसा है। महाराज ने अमृत की दात देन लगे बख्शिश कही सी ना कि सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चमकौर साहब की कच्ची गढ़ी च गुरुदेव ने बचन सत किए सच्चे पातशाह ने। जदों पंजां पंजां दा जथा निकल करके वीर गति नूं प्राप्त हुंदा, तीन जथे पंजां पंजां दे जदों सतगुरु जी दे सामने शहीद होए, महाराज साहब जी जिधर फौज दा जोर पैंदा एक तीर मार के सतगुरु जी वेल कर दिंदे। सूरज मध्यान विच आ चुका सी। सच्चे पातशाह दे जेठे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहिब सूरमे दा वीर रस डुल डुल पै रहा सी। सतगुरां दे सामने आ करके जिन्हां दी साध संगत जी उस वक्त आजू 17 साल 10 महीने ते 15 दिन दी जिंदगानी बाबा अजीत सिंह साहिब दी। इतिहासकारां कहा कि बाबा जी दे मुख दे उत्ते दाड़ा फुटदा सी ते कद विच इन्ने लंबे सन के गुरु देव नालों एक उंगल कद उच्चा सी बाबा अजीत सिंह साहिब जी दा। गुरु नानक साहब दे घर विचों उन्हां नूं ब्रह्म विद्या दी दात प्राप्त होई, शस्त्र विद्या दी दात प्राप्त होई। बाबा अजीत सिंह साहिब जी इहो जिहा सरूप सी कि जाणो सूरमताई दा ते अणख ते गैरत दा नमूना पेश करदा सी उन्हां दा सरूप। जदों सतगुरां दे सामने आए है, शीश ते कलगी लगी हुई है, संजोग बख्तर शरीर ते छाती ते पहनिया होया फब रहा है, भरिया होया तीरां दा पत्था, मोढ़े ते पहनी हुई कमान ते सत संगत जी मोढ़िया ते पिया होया ढाला, शस्त्रां नाल सजिया होया कमर कस्सा, सूरमे दीआं अखां विच बलदा होया वीर रस, बाबा अजीत सिंह साहिब जी ने सतगुरां दे सामने आ करके फतेह बुलाई है। गुरु देव ने आख्या, आओ पुत्र अजीत सिंह किवें आए हो? सच्चे पातशाह युद्ध विच जाण दी आग्या लैण वास्ते आया हाँ। ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल ने कवितावां लिखियां ने ते बहुत भिज के उन्होंने चमकौर साहब का युद्ध जिहड़ा गाव्या। ढाडी कुलवंत सिंह जी बीए जदों किते बोलिया करदे सी, सत संगत जी 10-10 हजार का इकट्ठ सुन होया वारा सुनिया करदा सी। मैं सामने बह करके वारा सुनिया ते जदों बाबा अजीत सिंह साहब जी सामने आए है उस वक्त दे बोल कहिंदे, हथ बन बोला सतगुरु, मैनू सतगुरु जी आग्या दिओ। हथ बन के बाबा अजीत सिंह साहब ने बेनती कीती है कि मैनू दिओ आग्या सतगुरु रण अंदर जावां, मैं तनखों छड्डा आगण बाण अग झली लावां, जो चढ़ियां आण हजूर ते ओ भन्ना बावां, मैं पालांगा लज नाम दी ना जितया जावां। बाबा अजीत सिंह साहब ने कहा, पिता जी मैनू आग्या दिओ, मैं युद्ध विच जावां। आप जी ने मेरा नाम अजीत सिंह रखिया है, मैं नाम नू सफलिया कर दिया, मैं किसी को जितया नहीं जावांगा। हजूर वीर आसन छड़ के खलो गए सच्चे पातशाह। महाराज ने मस्तक चुमिया, अपने कंठ नाल लाया। सतगुरां कहा, बेटा अजीत सिंह जे सच पुछे तां तैनू पाले ही असीं इसे दिन वास्ते है। तू क्षत्री पुणे दे धर्म नू पालिया है, पुरशार्थ करे हो जिहा कि तेरी शहादत नू जदों कौमां पढ़नगियां ना तां उह गलों गुलामी दा जूड़ा ला के आजाद हो जाणगियां हंबला मार करके। ऐसा पुरशार्थ कर कि आउण वालियां नसलां तेरी शहादत नू चेते कर दियां होईयां नतमस्तक हो जाया करन। बाबा जी दा सरूप ही इहो जिहा सीगा। बेनती है भाई बह जाओ थोड़ा चिर, फिर समाप्ति ते ही माया भेट कर लियो। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने
बाबा अजीत सिंह साहब नूं आप शस्त्र विद्या हथी सिखाई ते कहिंदे आ कि दस दस जवान सतगुरु जी नूं थका नहीं सी सकदे। इन्ना महाराज शस्त्र विद्या दे विच अगों सूरमियां नूं थका दिंदे ते बाबा अजीत सिंह साहब नाल आप सतगुरु जी शस्त्र विद्या दा अभ्यास करदे। गरीब नवाज सतगुरां ने कहा उस समय, पुत्र अजीत सिंह अज असी अखां नाल वेखांगे जिहड़ी तैनूं शस्त्र विद्या सिखाई है, तू किहो जी शस्त्र विद्या कमाई है। जदों सूरमियां दे सामणे तू डटेंगा लड़ेंगा, वेखांगे तेरी श्री साहिब जालमां दे शरीर विच किवें टुब्बे लाउंदी है, तेरे तनख तो छड़े हुए तीर किवें जालमां दीआं छातीआं पाड़दे ने। अज असी अखां नाल वेखांगे तेरा पुरशार्थ। ते महाराज ने कहा सी, पुत्र अजीत सिंह जदों पिता जी शहीद होए सी ना, संसार दे लोक मैनूं कहिंदे सी गुरु गोबिंद सिंह साहिब शहीद पिता दा पुत्र है। बेटा अजीत सिंह जदों तुसी शहादत दी देवी नूं वरोगे, संसार दे लोक मैनूं कहणगे गुरु गोबिंद सिंह साहिब शहीद पुत्रां दा पिता है। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने आशीर्वाद दे करके बाबा अजीत सिंह साहिब नूं मैदाने जंग दे अंदर तोरिया। अठ सिंह बाबा जी दी ताबिया नितरिया, भाई मोहकम सिंह जी प्यारे, भाई ईश्वर सिंह जी, भाई कोठा सिंह जी, भाई मदन सिंह जी, ये नाम है सिंघां दे, भाई कृपा सिंह जी, ये वह कृपा राम पंडित है जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब की शरण आया सी, ते अज चमकौर साहब की कड़ी विच किथे मरण तो बचण लई आ करके बेनती की, महाराज साडी मौत है बचाओ। ते अज जदों सतगुरां कृपा की कहिंदे महाराज सानू मरण लई तोर दिओ सच्चे पातशाह, शहादत की देवी नूं वरन वास्ते जिन्हां दे मन काले पै रहे सी, ते गुरु देव ने चमकौर साहब की गढ़ी दे अंदर ये खालसे नूं संबोधन हो करके कहा सी, खालसा जी अज दा दिन तुसी पुरशार्थ करोगे, मैदाने जंग दे अंदर जूझदे हुए शहादत नूं प्राप्त करोगे, आउण वालियां तुहाडियां नसलां जदों इस इतिहास नूं पढ़नगियां उहनां दा गर्व दे नाल सीना चौड़ा हो जाया करेगा। जदों चमकौर साहिब दे इतिहास नूं कौम पढ़ेगी सुनेगी, उह कौम कदे गुलाम नहीं रह सकेगी। सानूं चमकौर साहिब दी गढ़ी भुलदी जा रही है। मैं अपने कोलों बना के नहीं कह रहा, पंजाब की धरती होवे ते क्रिसमस ट्री स्कूलों च लगते होण, असी किसी का निरादर नहीं करते, पर जिसने साढ़े वास्ते कोई उंगल ते चीरा तक ना दवाया होवे ते साढ़े घरां विच बल्ब लगे होण ते गिफ्ट रख रख के तुसी कहने इहदा नुकसान की है, बच्चियां दे विच संस्कार पा रहे हो तुसी, तुहाडे बच्चे नहीं टलणगे नहीं हटणगे, तुहाडे जाण तो बाद भी उहनां नूं लगेगा कि क्रिसमस मनाउणी सही है की हो चलिया। ते माफ करना, मैं जिन्हां परिवारां च जाना जिहड़े मेरे निकटवर्ती है उहनां विच भी ट्री लगे मैं वेखे, की दसी इहदा की नुकसान है तुहाडी औलाद नूं। जिन्हां सतगुरां ने साडे वास्ते अपना एक भी घर का जी नहीं लगाया, सारे का सारा सरबंस कुरबान कर दिता, दसो उन्हां दा असीं दिहाड़ा मनाउने की, उन्हां दी याद विच आपां घर विच करदे आं। आपां अपने मनां च झाती मारीए, असीं कहिंदे आं जी वेखो साडा चमकौर साहिब दा इतिहास ते असीं गुलाम क्यों हां, इसे करके कि सानूं चमकौर साहिब चेते नहीं है। जे चमकौर साहिब चेते होंदा तां सानूं तीरअंदाजी आउंदी हुंदी। माफ करना, श्री साहिब हाथ विच फड़न दा इक शिंगार ही बन के रह गई। मैं किसे नूं ला के नहीं कहिंदा, महसूस ना करिओ, पर जदों चलाउणी हुंदी है ना उदों पता लगदा है। घुमाया ही जीभ बाहर आ जाए तो की प्रैक्टिस है फिर। शस्त्र हाथ विच फड़िया होया किसे सिख नूं यह कहना पै जाए जी मैनू नहीं आउंदा शस्त्र चलाउणा, कदे किसे चीने नूं पुछियो भी तैनूं मार्शल आर्ट आउंदा जां नहीं आउंदा, सारिआं नूं आउंदा हुंदा। मैं समाप्ति करूँगा हुण। न्यूयॉर्क विच दो काले ना चीने नाल लड़ पए सिटी च, उन्होंने धक्के मारी जान, वो कहे कूल डाउन ब्रदर कूल डाउन ब्रदर, कवे बथेरा पर वो हटन ही ना, कि उन्होंने धक्के मारी जान अगों। तो जदों उन्हें वेख लिया भी
चीना जो आके पैंतड़े च हाथ सीधे किए ना तो दोवे काले कल सॉरी ब्रदर ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम देखा भी हम छूगा जड़ी कला है ना अपनी वो सानू भुल गई है सानू नहीं चलाने आते शस्त्र तो सानू नहीं चलाने आते हथियार तो जिथे तुसी रहने मैनू पता नहीं इतों के कानून का साढ़े अमेरिका च तो जिहो जे शस्त्र आर्मी रख सकती ओहो जे अं घर रख सकते हैं तो रखे है खुले सरकार गौरमेंट इजाजत दिंदी है बारह बारह सोलह सोलह गन्ना रखिया बच्चों चलाउनिया आउंदियां अखां मीट के निशाने ते गोलियां मार दे क्योंकि साढ़े तो विरसे जाए तो जे अपने विरसे नूं ही भुल जावांगे फिर कहांगे कि नहीं सानू चमकौर साहब का इतिहास आउंदा है मैनू आ छोटी बच्ची सुना रही सी इंग्लिश दे विच ते इंग्लिश दे विच की तुसी अपने बच्चों जो तो पंजाबी नहीं सिखा पाओगे किवें इतिहास नाल जुड़नगे जो तुसी आ कुछ सुनते हैं ना ये दिहाड़े मनाए हुए निष्फल नहीं जाते संस्कार पेंदे है आए साल पिछले सालों तो मैं अगे कह रहा सत्संगा कि थोड़ा तो उत्साह मैनू घटिया प्रतीत होया बाहरलिया टाउन चो भी बसा आंदियां सी ते उहो जिहा उत्साह बनाने लई जरूर ये प्रोग्रामा का वेरवा इस तरह उलीकना चाहीदा है कि दिहाड़ा मनाओ बड़े वड्डे पद्धर ते सिखां नूं पता लगे कि साढ़े चमकौर साहब के अंदर की होया सी जदों कितें यात्रा करन वास्ते जाओ तो चमकौर साहब जांदिया होया तुहानूं पता होवे कि किस सरजमीन दे उत्ते मैं आ गया गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब जिथे साहिबजादियां दे शरीर दा अंतम संस्कार होया सी जिथे अल्लाह यार खां योगी दी अवारत लिखी हुई है घर हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए सत संगत जी बाबा अजीत सिंह साहिब जी जदों अठा सिंघां दे समेत रण तत्ते विच उतरे है एक वार इन्नी जोर दी आवाजां उठियां गोली मीह वांग वरी है तीर सर सर करदे चले है बाबा अजीत सिंह साहब का पुरशार्थ कविराज ने लिखिया है कि जदों उन्होंने तनख तो तीर छुटदा सी ना इन्नी लागवता नाल तीर चलदा सी कि पहला निशाने ते बज रहा हुंदा सी दूसरा मगरे तंदी ते चाड़ के छड़ दिंदे सी इहो जी प्रैक्टिस सीगी इहो जिहा कीता होया अभ्यास सीगा महाराज दे जेठे साहबजादे ने जिधर भी तीर लंघदा सी वेल करी जांदे सन उस समय या खुदा दीआं आवाज़ां आईआं बाबा अजीत सिंह साहब दा घोड़ा मैदाने जंग विच जिधर नूं सीख पौड़ होया मुगल सेनापति अपनी जान की भीख मंगण लगे जिधर दी लंघ गए सदा मातम छा गए बाबा अजीत सिंह साहब इउं फिर रहे सन जिवें मुगल फौज के अंदर कोई यमराज मौत का सुनेहा दे रहा हो इन्नी वीरता नाल युद्ध कर रहे सन ते नरंगे दी ओ फौज उस समय दी एशिया तो सब तो ताकतवर फौज सी कोई फौज ये जंग नहीं सी हारी नरंगे दी वड्डे वड्डे सेनापति जिहड़े रणनीति नूं जाणदे सी जिहड़े हर तरीके नाल दुश्मन नूं सुट्टणा जाणदे सी जदों बाबा अजीत सिंह साहब दा युद्ध वेख रहे सी हैरान हो रहे सन या खुदाया ये कोई मनुख नहीं है फरिश्ता है जदों बाबा जी दे पत्थे विच तीर मुक गए सत संगत जी कविराज ने उत्थे ये राय दिती अपनी कि महाराज के साहबजादे नूं जींदा पकड़न वास्ते मुगलां ने गोली ते तीर ना सी पहला मारे क्योंकि उन्हां दे मन दा ख्याल सी जदों बाबा जी उतरे ना रण तत्ते विच बहुत रौला उठिया सी बड़े जोर दा ते सेनापतियां नूं लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह साहब आप आ गए दूरबीन नाल वजीद खान सरहंदे सूबे ने वेख के कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब आप नहीं आए ये गुरुदेव दा जेठा साहबजादा उतरिया रण तत्ते विच बड़ा तलवार दा धनी है इहनूं जिउंदा पकड़ो ते ज्यूंदा पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं मजबूर करो हथियार सुट्टण वास्ते गढ़ी तो बाहर आ जाण वास्ते
सोचता सकते सी पर बाबा अजीत सिंह साहब नू कविराज कहिंदे आकाशी बिजली नू पकड़िया नहीं जा सकता बाबा अजीत सिंह साहब नू पकड़िया नहीं सी जा सकता। इन्नी वीरता नाल उन्होंने परछा चलाया सूरमियां दीआं छातियां पाड़ दित्तियां। जिहड़ा लाहौर दा नायब गवर्नर सी ना अनवर खान उहने वेख्या कि रुकदा ही नहीं पिया किसी कोलों बाबा अजीत सिंह साहब दे अगे कोई अड़ ही नहीं सी रहा क्योंकि शीस तली ते धर के लड़ रहे सी। जदों इन्नी वीरता नाल लड़े अनवर खान ने ललकारा मारिया बाबा अजीत सिंह साहब नूं 500 पठान लैके अगे वधिया। बाबा अजीत सिंह साहब ने ललकार सुन के अपने घोड़े दीआं बागां अनवर खान वल कीतियां कहिंदे अनवर खान तूं मैनूं आवाज़ नहीं मारी अपनी मौत नूं आवाज़ मार लई है। इन्नी वीरता नाल घोड़े नूं पदाया घोड़ा सीख पौड़ हो गया ते रकाबां विच पैर जमा के अनवर खान दी छाती विच काला फलात दा परछा ऐ मारिया। कविराज कहिंदे जिवें पहाड़ दी रुढ़ विच शौक दा फनियर नाग वड़ जांदा है ना इउं बाबा जी दा परछा अनवर खान दी छाती विच शौक दा जा वड़िया। ते जदों संजोब बख्तर पहिनी होई ते संजोब बख्तर नूं लोहे दी संजोब बख्तर नूं पाड़ना सौखा नहीं हुंदा बाहां विच जान सी इन्ने बलपूर्वक मारिया सी परछा कि लोहे दी ओह संजोब बख्तर भी रोक ना सकी। ते जदों बाबा जी खिंचण लगे ना उस समय उहदी कंडी अड़ गई डांग हथ विच रह गई। मुगलां ने वेख लिया कि गुरुदेव दे साहबजादे नूं जींदा पकड़ना नामुमकिन है पकड़े नहीं जा सकते। फिर बाबा अजीत सिंह साहब जी ने गोलियां मार के तीर मार के सिटण का जो यतन किया कविराज ने लिखिया अनगिणत गोलियां बाबा जी के शरीर नूं पाड़ के लंघी हैं ते तीर भी शरीर नूं पाड़ पाड़ के लंघे है। उन्हां गोलियां दे विच घोड़ा शहीद होकर धरती ते डिग गया। जदों घोड़ा धरती ते डिग गया कई बारी मनुखी दिमाग शंका करता है गोली तो एक लग जाए तो बंदा डिग के आ जाता है। बाबा जी के शरीर में 500 खट से 300 गोली बजी सी 300 गोली इस इतिहास में लिखा मैं कोलों बना के नहीं कहता 200 के करीब तीर बिन गए सी शरीर में पर फिर भी शरीर नहीं सी डिग रहा। यह शक्ति गुरसिखा में नाम करके आती है बाणी की प्रीत करके आती है। तो बहुत इतिहास साडा यहोजे मर जीवड़िया नाल भरिया होया है। भाई दयाल सिंह जी दे 7 गोलियां सिर विच वज्जियां सी तां वी उन्हां चिर शहीदी प्राप्त नहीं सी कीती जिन्ना चिर खालसा पश्चिम नहीं सी किले दे उत्ते लहरा गया। इहोजे योधे सूरबीर होए है। बाबा अजीत सिंह साहब जी अपने हत्थां विच फड़ियां होईयां श्री साहिबां कविराज ने लिखिया कि जिवें बहुत तेज तूफान फसल उड़ा दिंदा ना इवें बाबा अजीत सिंह साहब ने गर्दना ला दित्तियां तुरकां दीआं हत्थां विच फड़ियां होईयां श्री साहिबां दम दे गईयां कब्जे हत्थां विच फड़े रह गए। फिर कब्जे सिट दित्ते गात्रे चों कढ के कटार बड़े बड़े तुरकां नूं पार बुला दित्ता। आखिर फिर बाबा अजीत सिंह साहब दे शीस विच आ करके जदों गोलियां वज्जियां आप जी मूँह परने डिग करके धरती ते शहीद होए। सतसंगत जी आप जी ने फिल्म जरूर वेखी होगी 5-7 तीरां नाल बाबा जी नूं शहीद होया विखाया। चमकौर साहब की जंग का सीन फिल्माया नहीं जा सकता। जे तुसी अपने इतिहास नूं छुड़ना छड़ दिता फिल्मां दे आसरे रहे तां फिर सूरबीर बाबा अजीत सिंह साहब की शहादत नूं नहीं वेख सकोगे। बाबा जी जदों शहीद होए आ गुरुदेव ने ममटी विच बैठिया जकारा छड़िया सच्चे पातशाह ने जदों साहबजादे दे शरीर विच गोलियां वजदियां होणगियां बोटियां लहू दियां उड़दियां होणगियां कि गुरुदेव ने वेख्या नहीं होवेगा अखां नाल तक रहे सी सच्चे पातशाह इदां पुत्तर नहीं वारे जांदे। जिन्ने पीर पैगंबर होए है सतसंगत जी पुत्रां अगे सब डिग गए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का कोई सानी नहीं जिन्हां ने अपने हथी पुत्र तौर करके कहा सी जा पुत्र अजीत सिंह पंथ वास्ते कुर्बान हो जा।
इस तरह की शहादत दे कि तेरी शहादत नूं चेते करके कौमां सदा सदा लई अमर हो जाण। महाराज सच्चे पातशाह जी दे अखां दे सामने बाबा अजीत सिंह साहब का शहीद होना समा आग्या नहीं दिंदा। बाबा जुझार सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की आग्या नाल जदों आग्या मंगी सी ते वो भी सीतल जी ने बड़िया सुंदर सत्रां लिखियां कि जदों बाबा जुझार सिंह साहब जी शहीद होए ना मैदाने जंग दे अंदर सच्चे पातशाह जी महाराज दे सामने कहिंदे हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सावे हो गया जां बेरा बेरा हथ बन बोले सतगुरु वाह पाणा तेरा। सच्चे पातशाह जी महाराज हथ जोड़ करके वाहिगुरु का शुकराना कीता दूसरे लाल दे भी शहीद होण तों। महाराज सच्चे पातशाह जी ने पंथ नूं गुरियाई देनी सत्तां सिंघां नूं भाई संगत सिंह साहब दी ताबिया गुरुदेव ने सब कुछ ही लुटा दिता कुछ भी नहीं रखिया। जदों चमकौर साहब की गढ़ी तो तुरन लगे सी ना तो महाराज के शीश से शाही कलगी साहब सोभ रही सी शाही पाई हुई पोशाक महाराज के शरीर से सोभ रही सी। उस वक्त गुरुदेव ने भाई संगत सिंह साहब अंग सी इन्हां ने जदों शहीद होए है ना निशान साहब के उत्ते इन्हां दा शरीर सी कहिंदे है कि भाई साहब ने आखिरी दम तक जदों तक शरीर विच सवास सी निशान साहिब नहीं डिगण दिता। भाई संगत सिंह साहब जी ने जदों सतगुरां जी ने इन्हां दे उत्ते बख्शिश कीती है अपनी अपना शाही कलगी तोड़ा गरीब नवाज ने भाई संगत सिंह साहब दे शीश ते सजाया। सच्चे पातशाह ने अपनी शाही पोशाक उतार करके गरीब नवाज ने भाई संगत सिंह साहब नूं पहनाई पंजां सिंघां दीआं परिक्रमां कीतीआं पंथ नूं गुरियाई देण दा थां श्री चमकौर साहब दी ओह कच्ची गढ़ी है। सच्चे पातशाह ने पंजां दे अगे हथ जोड़ के गुरुदेव ने मत्था टेकिया नमस्कार कीती पंजां प्यारिआं नूं। सच्चे पातशाह जी महाराज कच्ची गढ़ी तो किवें तुरे ये बहुत इहो जिहा इतिहास है जिहड़ा मुरदे विच भी जान पा देवे गिद्दड़ नूं भी शेर बना देवे ये साडा इतिहास इहो जिहा है। समा आग्या नहीं दिंदा ते शरीर भी मेरा ढिल्ला सी पर ये इतिहास ही इदां दा है कि उत्थे ही पहुँच जाईदा है फिर देश काल वस्तु चेते नहीं रहिंदा। आप जी धन हो प्यार नाल जुड़ के आप जी ने शहीदां दा इतिहास सरवण कीता है। श्रीमान संत बाबा ठाकुर सिंह जी महाराज जदों आप सामने बैठे सुनिया करदे ना असी कई वारी हैरान होना कि महापुरख जदों कथा सुनदे आप बैठे ब्रह्म ज्ञान विच अस्थित बिरती है पर फिर भी सुनदे। कई बार एक बार मैं कथा करा यही बचन सुना के समाप्ति करूँगा गुरदासपुर बहुत पंडाल भरिया बाबा फरीद साहब जी के जीवन की कथा चल रही सी ते महापुरख सीधे ही नमस्कार करके तो मेरे को ही आए ताबिया मैं पता लग गया बाबा जी गुस्से जा मैं स्पीकर पहलों ऐन किए भी झिड़का पैनिया हूँ संगत को ना पता लगे मैं स्पीकर पासे नूं कर दिता तो इदा पछाह नूं हो के कान में मैं जदों बाबा जी मैनू कहिंदे गुरु नानक साहब ने साडे उत्ते पता किड्डी बख्शिश कीती है सानू जंगलां च जाण दी नहीं लोड़ हुण वो दस दस सुना मैं कहा सत बजन जी। फिर बाबा जी बैठ गए गुरु नानक साहब जी महाराज के जीवन की घटना कह के फिर मैं दसिया कि चाहे बाबा फरीद साहब ने अपनी जिंदगी विच इन्ना लम्मा समा कठिन तपस्या की है महापुरखा ने आख्या है कि सानू इन्नी कठिन तपस्या करन दी लोड़ नहीं गुरु नानक साहब ने रहन दिती एक वाहगुरु मंत्र ही अमृत वेले उठ के जपिए ना तो सात संगत जी लखां जन्मां दा तप भी उस साधना की बराबरता नहीं कर सकता। इन्नी बख्शिश है वाहिगुरु मंत्र दे अंदर अपनी किरत करनी अमृत वेले उठ के वाहिगुरु मंत्र जपना फिर जो
ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੰਗੀਆ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਾਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ